खबर आप रोड से। सीडीएस चीफ विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके निधन पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी धर्मपत्नी समेत 14 लोगों की मौत पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही समस्त ब्रह्म कुमारी परिवार से अपील की है कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना ध्यान लगातार की जाए। विपिन रावत का ब्रह्म कुमारी परिवार से गहरा लगाव था। जब विपिन रावत सेनाध्यक्ष बने थे तब से वे 30 दिसंबर 2018 में ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आए थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। वो 2 दिन तक यहाँ रुककर ध्यान साधना और राजयोग भी सीखने की इच्छा जताई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि ब्रह्म कुमारी संस्थान और सेना में एक समानता है। सेना दुश्मनों से रक्षा के लिए तत्पर रहती है और ब्रह्म कुमारी संस्थान मनुष्य के अंदर छिपे अदृश्य दुश्मनों अर्थात बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। सीडीएस चीफ रावत के पहले उनके पिताजी का ब्रह्म कुमारी राज संस्थान से जुड़ाव था और उनका नियमित आना जाना था। उनसे प्रेरित होकर वे भी आबू रोड आए थे। इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना में दादी ने कहा कि विपिन रावत का अचानक जाना सेना के लिए एक मुश्किल की घड़ी है। இதுதான் எமர்ஜென்சி, இதை தான் கொண்டு போகணும் ஃபர்ஸ்ட். இதுதான் எமர்ஜென்சி.